दो तारीख से शुरुआत हम करेंगे, बीच में कई जगह पड़ाव होगा, रास्ते से हम लोग जिधर से गुजरेंगे अगल बगल गांव के लोगों के बीच जागृति का काम हम करेंगे, सभाएं होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव, जनता का दबाव बनाएंगे ताकि नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़कर हटे। जब जब नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना के कारण सरकार कटघरे में आ रही कटघरा में आने लगी थी, तब तब नीतीश कुमार जी ने वहां से निकलने का रास्ता खोज लिया। इस बार भी नीतीश कुमार जी का यही प्रयास है, निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और उस रास्ता के रूप में स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं ताकि जनता में यह संदेश जाए, कल यदि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाता है तो जनता में यह संदेश जाए कि नीतीश कुमार तो बहुत ही कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री हैं, बर्दाश्त करने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं, बच्चे मर रहे थे तो इन्होंने कार्रवाई कर दी, स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया। सिर्फ इसी मकसद से अपनी विफलता को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर दोष मढ़कर निकल जाने का रास्ता नीतीश कुमार जी खोजने में माहिर रहे हैं, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इस मामले में बच्चों की मौत की जवाबदेही किसी एक व्यक्ति पर है तो 14 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं उनके ऊपर है। कौन व्यक्ति मंत्री रहे न रहे, किस मंत्री के जिम्मे कौन सा विभाग रहे, पूरा का पूरा यह अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। 14 साल से इस तरह की घटनाएं इनके रहते हुए भी हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है, स्वास्थ्य मंत्री कौन रहता नहीं रहता कोई आज निर्णय करने की बात नहीं थी, जब इनकी मर्जी होती जो भी स्वास्थ्य मंत्री जिसको जवाबदेही देते वही स्वास्थ्य मंत्री होता। अब आज अगर स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा की बात की जाएगी तो इसका सीधा अर्थ होगा कि नीतीश कुमार जी अपना चेहरा को बचाना चाहते हैं और दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। हम यह नहीं कह रहे कि स्वास्थ्य मंत्री को हटाएं कि रखें, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, हटाएं या रखें उनका मामला है, उनका जुरिस्डिक्शन है, हम कोई राय इसमें नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करके अपनी विफलता को छुपाने की जो कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इस कोशिश में हम उनको सफल नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई गड़बड़ी हुई तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर जवाबदेही देकर कहेंगे इस्तीफा कीजिए, शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री को कभी कहेंगे कि इस्तीफा कीजिए, अलग अलग विभाग की कोई गड़बड़ी को लेकर उस विभाग के मंत्री को कहेंगे कि इस्तीफा कीजिए, तो मुख्यमंत्री किस बात के लिए जिम्मेवार होंगे? स्वास्थ्य का मामला हो या कोई और मामला हो, माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके वोट दिया था, आपकी सरकार बनवाई थी लोगों ने, किसको आप मंत्री बनाएंगे और किसको मंत्री नहीं बनाएंगे इस बात को देखकर जनता ने वोट नहीं दिया। अगर जनता निराश हो रही है तो उसके पीछे कारण आप हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लाकर अपनी छवि को बचाए रखने की जो इनकी कोशिश है, पहले कई बार सफल हो गए हैं इस कोशिश में,
जनता के ध्यान को भी डाइवर्ट करने में, लेकिन इस बार इस कोशिश में हम इनको सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब प्रदेश की जनता भी यह बात समझ रही है कि नीतीश जी की आदत है कुछ भी करना हो करो, अपनी छवि को बचाए रखो, दोष मुख्यमंत्री का और किसी दूसरे के ऊपर दोष डाल दो, ताकि लोगों की नज़र में नीतीश जी की छवि बची रहे। 200 बच्चों की मौत होती है, जब से शासन में है तब से घटनाएं हो रही है, इसलिए सीधे तौर पे जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की बनती है। इन्होंने अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया, 14 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बद से बदतर बना दिया, डॉक्टरों के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई, काफ़ी संख्या में डॉक्टर के पद खाली हैं, अस्पताल वीरान है, दवा जितनी बार सरकार की ओर से कही गई कि इतनी दवा मिलेगी कहीं नहीं मिल रही है दवा, बजट में जितना पैसा का प्रावधान किया जाना चाहिए था नहीं किया स्वास्थ्य विभाग के लिए, अब पैसा ही नहीं होगा तो स्वास्थ्य विभाग आखिर कैसे काम कर पाएगा। तो कुल मिला जुलाकर इन तमाम चीज़ों की जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी, नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, तो पूरी सरकार इनकी विफल है, इसलिए कि मुख्यमंत्री ही विफल है। अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को गद्दी से हटाए बिना राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। हम इस यात्रा के माध्यम से नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ यात्रा के माध्यम से अभी जनता के बीच हम जा रहे हैं, और आवश्यकता पड़ी तो आगे इस लड़ाई को और भी व्यापक रूप देने का काम हम करेंगे।